मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, एक इंसान जिसके पास 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे और 33 पोते पोतियां हैं, ये सब एक साथ अपने 100 कमरों वाले घर पर रहते हैं। पत्नियां बारी बारी से एक एक दिन अपने पति के साथ सोती हैं। सिर्फ डिनर तैयार करने के लिए 30 चिकन काटने पड़ते हैं। तो ये कौन सा परिवार है, आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के इस एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जोना चना इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार के हेड हैं और वे कहते हैं कि वे धन्य हैं कि उन्हें 39 पत्नियां मिली। जोना चना के 94 बच्चे, 14 पोतियां और 33 पोते भी हैं। वे 100 कमरे वाले 4 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं जो कि मिजोरम के बक्तवांग गांव में है, जहां पत्नियां एक बड़े से हॉल में सोती हैं। चना ने कहा, आज मैं भगवान के एक खास बच्चे जैसा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों के ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं 39 औरतों का पति हूँ और इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया भी। यह परिवार लगभग मिलिट्री डिसिप्लिन से व्यवस्थित है। जथिंगी जो कि सबसे पुरानी पत्नी है, अपने साथियों को घरेलू काम बांटने जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाने में मदद करती हैं। एक शाम के खाने में आप इन्हें 30 चिकन काटते, 60 किलो आलू छिलते और 100 किलो चावल पकाते देख सकते हैं। संयोग से चना एक ऐसे कम्युनिटी के हेड भी हैं जिनमें कोई भी जितनी चाहे उतनी पत्नियां रख सकता है। यहां तक कि उन्होंने एक साल में 10 औरतों से शादी भी की है जब वे अपने सबसे ऊर्जावान समय पर थे। वे अपने सबसे नई पत्नी को अपने बेडरूम के पास रखते हैं और पुराने परिवार के सदस्यों को थोड़ी दूर, और वहाँ रोटेशन सिस्टम भी है कि किस दिन कौन चना के बेडरूम में सोएगा। रिंकमिनी चना की एक पत्नी जो कि 35 साल की है ने कहा, हम लोग हमेशा उनके पास रहते हैं क्योंकि वे इस परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। वो इस गांव के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। और चना जिनके धार्मिक संप्रदाय में 4000 सदस्य है ने कहा कि उनको नई पत्नियों की खोज अभी भी रुकी नहीं है। बाकी दूसरी पत्नियां कहती हैं, परिवार में सब लोग घुल मिल कर रहते हैं। परिवार का नियम आपसी मेलजोल और प्रेम के आधार पर बना है। उन्होंने कहा कि अपने इस संप्रदाय को बढ़ाने के लिए अगर मुझे शादी करने के लिए अमेरिका भी जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। चना के एक बेटे ने उनसे कहा, जिनके दादाजी के पास भी बहुत सी पत्नियां थी, गाँव के गरीब महिलाओं से शादी करते हैं ताकि वे उनका ख्याल रख सकें। चना परिवार से भारतीय राजनेता भी जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत सारा वोट है, हर एक वोट कीमती है, इसलिए ये परिवार राजनेताओं के बीच भी बहुत फेमस है। चना ने एजेंसी फ्रांस प्रेसे से कहा कि नेता आजकल कुछ दिनों से वोट मांगने काफी आ रहे हैं। इलेक्शन के दौरान हम बहुत डिमांड पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत ही कम होता है, इसलिए उनको 100 वोट भी बहुत कीमती है। पर नॉर्थ ईस्ट के पिछड़े इलाके में चना, जो खुद को दुनिया के सबसे बड़े परिवार के हेड होने का दावा करते हैं, एक किंग मेकर साबित हो सकते हैं। उनके साथ उनका परिवार भी जाता है और उनके परिवार के साथ इलेक्शन का किस्मत भी। उनके राज्य में 1.1 मिलियन की जनसंख्या है, उनमें से 7 लाख लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। 160 से भी ज्यादा लोग चना वंश के हैं। जब हम जाते हैं तो हमेशा एक ही कैंडिडेट या पार्टी को वोट देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे परिवार से 160 से भी ज्यादा वोट पक्का है, चना की एक पत्नी रिंकमिनी ने रिपोर्टर्स को बताया। चना जो कि एक धार्मिक समूह जिसमें 4000 सदस्य हैं के हेड हैं, वे वोट के बदले आखिर क्या चाहते हैं? हम अपने परिवार के निजी फायदे के बजाय सिर्फ एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो कि राज्य का अच्छे से ख्याल रख सके, चना ने कहा। 2011 में डेली मेल के एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार एक मिलिट्री नियमों के आधार पर चलता है, तो ऐसा लगता है कि वे सब एक साथ वोट नहीं कर पाए। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।
इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचित कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।